पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर पिछले तीन दिनों से चल रहे चैत्र चौदस मेले में श्रद्धालुओं का आवागमन जारी है। रविवार को भी अमावस्या के मौके पर पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, चंडीगढ़ सहित कई प्रदेशों से आए श्रद्धालुओं ने सरस्वती सरोवर में स्नान के पश्चात अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान में कर्मकांड आदि करवाया। ये प्रचलन अभी भी जारी है। पूजा पाठ के पश्चात सरोवर के तट पर स्थित विभिन्न मंदिरों में भगवान के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। हालांकि कोरोना महामारी के भय से श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्षों की अपेक्षा आधे से भी कम रही, लेकिन जितने भी श्रद्धालु तीर्थ पर पहुंच पाए उनकी आस्था कोरोना महामारी पर भारी पड़ते दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि श्रद्धालुओं ने बेझिझक सरोवरों में स्नान कर पूजा पाठ का कार्य तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से संपन्न करवाया। मेले के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जगह जगह नाके लगाकर पुलिस कर्मी मुस्तैद रहे। कर्म करवाने के पश्चात श्रद्धालुओं ने प्रेत पीपल पर जल चढ़ाकर सूत बांधा। मान्यता है कि प्रेत पीपल पर सूत बांधने से मनुष्य को बुरी आत्माएं परेशान नहीं करती। तत्पश्चात श्रद्धालुओं ने स्वामी कार्तिकेय मंदिर में तेलार्पण किया। मंदिर के मान दीपक गिरी व राज तिलक गिरी ने बताया कि स्वामी कार्तिकेय भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र वे देवताओं के सेनापति थे। इस मंदिर में महाभारत काल से दो अखंड दीपक जलते आ रहे हैं। बताया जाता है कि पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में मारे गए अपने सगे संबंधियों का यहाँ पिंडदान करके इस मंदिर में तेल अर्पित कर इन दीपकों को प्रज्वलित किया था। तीर्थ पुरोहित आशीष चक्रवाणी व अनुजात्री ने बताया कि अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त पूजा पाठ पिंडदान आदि करवाने से जहां मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है, वहीं मृत आत्माओं को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सरस्वती तीर्थ से थोड़ी दूर पर पुराना बाजार में स्थित दरगाही शाह मंदिर यहां तीर्थ पर आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना रहा। श्रद्धालुओं ने इस मंदिर में मिट्टी से बने घोड़े चढ़ाए ताकि उनके दिवंगत पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। महंत दीपक प्रकाश ने बताया कि ये मंदिर ब्राह्मण कुल में पैदा हुए पंडित दुर्गा सहाय का है। दुर्गा सहाय के वाहन घोड़े के प्रतीक स्वरूप इस मंदिर में एक जोड़ी मिट्टी के घोड़े चढ़ाने की पुरानी परंपरा चली आ रही है। श्रद्धालुओं में आस्था है कि मंदिर में मिट्टी के घोड़े चढ़ाने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बीती संध्या पर श्रद्धालु सरस्वती सरोवर के तट पर दीप दान करते हुए दिखाई दिए। तीर्थ पुरोहित योगेश लक्की व राकेश पुरोहित ने बताया कि सोमावती अमावस्या के मौके पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु पिहोवा पहुंचे हैं। शास्त्रानुसार सोमावती अमावस्या पर सरस्वती तीर्थ पर पिंडदान में कर्मकांड करवाना अत्यंत फलदायी माना जाता है। खबरनामा हरियाणा के लिए पिहोवा से पत्रकार अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।